लेवल की कमेटी राजभवन से ही बना रहे, राजभवन से ही बनेगा, क्योंकि इन जांच कमेटी पर हमें भरोसा नहीं है। विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति एक ईमानदार, आप बताइए अगर हो जाएंगे तो क्या विश्वविद्यालय के 10 पदाधिकारी भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार रुकेगी? इसके लिए सभी संगठनों को, समाज के सभी शिक्षित वर्गों को आगे आकर अराजकता के खिलाफ लड़ना होगा, चाहे किसी भी संगठन के लोगों, क्योंकि हमारे बिहार की धरोहर है। आपको बता दे सर कि कामेश्वर सिंह ने प्राच विद्या पाली विद्या की रक्षा के लिए दान में दिया था, अभी भवन का जीर्णोद्धार हुआ, जीर्णोद्धार के नाम पर लिपा पोती 6 करोड़ रुपया का जीर्णोद्धार हुआ, मगर उसको हैंड ओवर की बात चल रही थी, पर कुलपति महोदय के संज्ञान में आया, हमारे संगठन के बलरामजी यादव आवेदन दिया गया, तुरंत उस पर जांच कमेटी बनाई। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जितना भी काम बचा है जीर्णोद्धार जो भी एजेंसी की है, पुनः हम लोग जब तक पूर्ण काम नहीं करते हैं तब तक हम लोग आवेदन करते रहेंगे, अंततः नहीं मानेंगे तो उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। एक बात समझ में नहीं आती, एक बात बता देते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल बहुत लंबा है, पूरे बिहार में है, बिहार में 14 विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जितना है, पहले तो झारखंड भी हुआ करते थे, बिहार में 31 एफिलिएटेड 31 कॉन्स्टिट्यूएंट और 15 उपशास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय। क्या कुलपति महोदय एक दिन में बक्सर जाकर वहाँ निरीक्षण कर सकते हैं वहाँ क्या हुई? तो यहाँ के सरकार द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं सिंडिकेट के, वही लोग जहाँ विज्ञापन खाली रिक्त पद रहता है वहाँ सदस्य बनते हैं। पूर्व में मैं आपको कहा था कि डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी सबसे ज्यादा महाविद्यालय शासी निकाय के सदस्य है, जबकि उनके विरोध में हम न्यायालय भी गए हुए हैं। अभी डाटा सेंटर का मामला आया, सीएजी ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि गड़बड़ी हुई है। जब हम लोग न्यायालय गए तो विश्वविद्यालय के लॉ अफसर द्वारा स्वयं होती है साइड ऑफ फैक्ट भेजा जाता प्रतिवेदन, उसमें स्पष्ट कहा गया कोई गलती नहीं है। अब सीएजी कहे तो लोग भी मान रहे गलती हुई है। अभी आपको आयुर्वेद दूसरा ज्वलंत मुद्दा आपको है कि हमारे यहाँ एक आयुर्वेद संकाय सिवान में, दयानंद आयुर्वेद महाविद्यालय सिवान, जिनके प्रिंसिपल है प्रजापति त्रिपाठी जी, आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी मेडिकल परीक्षा में एडमिशन के लिए नीट में आपका उत्तीर्णता आवश्यक है। कभी 19वीं सत्र में नामांकन वहाँ हुए है तो बिना नीट परीक्षा उत्तीर्ण किए ही छात्रों का नामांकन कर लिया गया, जो दैनिक जागरण समाचार पत्रों में भी आया था। और दूसरा बता दें, जब प्रतिकूल पर नए आए तो उनके जब संज्ञान में आया तो उन्होंने उस पर कमेंट करके कुलपति को लिखा, कोई कार्रवाई उस पर भी नहीं कुलपति महोदय द्वारा किया, क्योंकि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं थी, यूरोप का धोखा दे दिया गया कुलपति महोदय, क्योंकि न्यायालय द्वारा आदेश हमको मिला हुआ है नामांकन लेने का, जबकि ऐसा कोई आदेश इनके मामला अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही है। और परीक्षा का आयोजन होता है रमेश्वर लता दरभंगा केंद्र बनाया जाता है, और यहाँ के केंद्र पर क्या होता है, जब प्रतिकुलपति महोदय निरीक्षण करते हैं तो 10 मुन्ना भाई एक ही तरह। बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मुख्य विषय है मेरा कि हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति रूपी रत्न मिले हुए हैं, विद्वान में कहीं उनकी कोई दो राय नहीं है, मगर कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी और सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जैसा उपशास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालयों में जितने भी अवैध नियुक्ति हुई है, साक्षात्कार हुई है, विज्ञापन हुई है, अगर उसका साइट का अवलोकन करेंगे तो कोई भी साइट नहीं खुलती है। बिहार में आप लोग भी मीडिया से हैं, अगर एक पद या दो पद के लिए विज्ञापन होता है तो उसमें आवेदक की संख्या लगभग 100 हो जाती है। संस्कृत विश्वविद्यालय में ऐसा मैनेजमेंट है कि आपको एक पद पे 2 से 4 आवेदक होते हैं जो उन्हीं के संबंधित लोग होते हैं, होता है जो आवेदन करेंगे उन्हीं का विज्ञापन में नाम आएगा, उन्हीं के अंदर भिक्षा होगी, उन्हीं आधार पर उनका चयन होता है। शासी निकाय के द्वारा विषय भी अपने हिसाब से रखा जाता है, जिस विषय के अपने लोग होते हैं, जबकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नियमावली कहता है, भास्कर बनर्जी का रिपोर्ट है कि संस्कृत विषयों को ध्यान में रखते हुए संस्कृत के कुल 6 शिक्षक होंगे, बाद बाकी 2 शिक्षक सामान्य विषय के होंगे। आप यहाँ बगल के महाविद्यालय का उदाहरण दे रहे हैं, पिंडारूच में संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें डॉक्टर अजीत चौधरी जो पूर्व प्रोक्टर मिथिला यूनिवर्सिटी के हमारे सिंडिकेट के सदस्य में सचिव है वर्तमान में, वो दाता सदस्य भी हो चुके हैं, जबकि जिनका जमीन था दाता सदस्य नहीं है पिंडारूच ग्राम में, 25,000 रुपया देकर पढ़ाई विधा वाले को दाता सदस्य नहीं घोषित किया, मगर 25,000 वाले को सदस्य घोषित कर मैथिली के विषयों के प्रधानाचार्य के पद पर डायरेक्ट नियुक्ति कर दिया, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा उनका अनुमोदन भी नहीं है। नियम है कि यदि परीक्षा में कोई छात्र परीक्षा का फॉर्म भरेंगे तो उनका अनुमोदन जो है अटेस्टेड करते हैं प्रधानाचार्य, तो जब तक प्रधानाचार्य ही अनुमोदित नहीं है ताकि उनका परीक्षा कैसे लिया जाए। और जितने भी नियुक्ति हुई है उसमें सभी सिंडिकेट और विश्वविद्यालय के सदस्य ही शामिल है, यथा आपको बता दें अभी प्रोक्टर संस्कृत यूनिवर्सिटी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं, लॉ अफसर पवन झा जी हैं, सीसीडीसी में विजय मिश्रा जी हैं,
अब यही तीनों अगर मेंबर होंगे उस महाविद्यालय में तो उसकी जांच कौन करेगा? फिर अपने मनोनुकूल व्यक्तियों के लिए राजभवन का एक पत्र है जो शपथ पत्र के साथ मैंने दिया था राजभवन को, तो राजभवन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विश्वविद्यालय के अधीन जितने भी नियुक्ति हुई है विज्ञापन है सबको आप विखंडित करते हुए उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई। तीन बार अभी तक जांच समिति बदल गए अद्यतन जांच नहीं, उन लोगों की लिपापोती की जा रही है क्योंकि जितने भी नियुक्ति हुई है आपको उदाहरण के सामने झा जी थे जिन पर कई आरोप भी लगा उनके निजी सचिव को हुआ राजेश कुमार झा। उसके बाद विश्वविद्यालय में सरनारायण झा जी के स्वयं भतीजे को महाविद्यालय में नियुक्ति होती है, पवन झा जी के रिश्तेदारों की नियुक्ति होती है,